मैंने आज तक इस टॉपिक में कोई भी वीडियोस नहीं बनाई है, बट इस वीडियो का इतना रिक्वेस्ट आया कि मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी। इस टॉप 10 होम रेमेडीज में से आपको कोई एक चूज करना है और उसे कंटिन्यूअस यूज करने से आपके सारे एक्ने स्पॉट्स, दाग धब्बे, छाइया सारी चीजें दूर हो जाएगी। और ये लड़के, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े कोई भी यूज कर सकते हैं, तो प्लीज आप इस खुशी में इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। और अगर आपको मुझे अच्छी लगती हो या फिर मुझे और भी देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। माय ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स नेम से सुदेशना ज्वेलरी। दुनिया के बेस्ट होम रेमेडी, ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज एंड मेकअप ट्यूटोरियल के लिए सब्सक्राइब कीजिए सुदेशना ज्वेलर चैनल को और उसके बगल में छोटे से बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना कर दे। और ये बिल्कुल फ्री। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हाय इफ यू आर न्यू। मैं हूं सुदेशना और मेरी YouTube चैनल सुदेशना ज्वेलर में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं वीक में 4 वीडियोस डालती हूं, DIY, होम रेमेडीज, प्रोडक्ट रिव्यूज, मेकअप ट्यूटोरियल, ये सारी चीजें डालती हूं। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उसके बगल में जो छोटे से बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना कर दें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप कैसे घर पे ही एक्ने स्पॉट्स को, एक्ने स्कार्स को रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। और अगर आप मेरी नई सीरीज प्रोडक्ट रिव्यूज के वीडियोस नहीं देख रहे हो तो प्लीज आप वो भी देखिए। मुझे आप लोगों से फीडबैक जानना है और मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत ज्यादा पसंद है, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिए। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा सही है क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है, ज्यादातर पाकिस्तानी व्यूअर्स है, उन लोगों का कहना है कि दी आप बहुत ज्यादा यूनिक वीडियो बनाते हो और आपका वीडियोस भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उन चीजों को मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कह दूं कि आज जो मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर करूंगी उसके लिए आपको कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज आपको किचन से ही मिल जाएगी। और यूजुअल DIY सुदेशना में जैसा होता है, इस वीडियो में भी 3 पार्ट्स होगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, एक्ने है क्या और एक्ने स्कार्स की वजह क्या है। एक्ने एक्चुअली स्किन के एक कंडीशन है जो अलग अलग टाइप में हमारे स्किन में शो होता है, जैसे कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स और सिस्ट। नंबर 1, हमारे जो पिंपल्स होता है वो हम खोद लेते हैं और वहां पर एक्ने स्कार्स हो जाते हैं। नंबर 2, स्ट्रेस और हार्मोनल चेंजेस से हो सकते हैं। नंबर 3, मेनोपॉज या फिर अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो उसका बार बार स्विच करने से हो सकते हैं। और नंबर 4, कुछ मेडिसिंस जैसे कि लिथियम और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब लेने से भी हो सकता है। अब बात करते हैं पार्ट 2, मतलब टॉप 10 होम रेमेडीज के बारे में। मैं आपको पहले ही कह दूं, ये वीडियो मैंने एक दिन में शूट किया है, तो जाहिर सी बात है मैं टॉप 10 होम रेमेडीज अपने स्किन पर अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि ये सही नहीं है। एक दिन में सारे रेमेडीज स्किन में अप्लाई करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ रेमेडीज अपने ऊपर ट्राई करूंगी और कुछ रेमेडीज स्लाइड शो के जरिए आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस पार्ट को आप पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए अब टॉप 10 होम रेमेडीज देख लेते हैं। नंबर 1, लेमन फॉर एक्ने स्कार्स। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए लेमन एंड आमंड ऑयल। लेमन को निचोड़ ले, अब उसमें ऐड करें आमंड ऑयल और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब एक कॉटन बॉल के मदद से आप अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कीजिए। इसे रोजाना करें और पूरी रात इसे काम करने के लिए छोड़ दें। नंबर 2, हनी फॉर एक्ने। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए हनी, एस्पिरिन एंड वाटर। सबसे पहले एस्पिरिन लीजिए, इसे अच्छी तरह से पीस लें, आप उसे एक कटोरी में डाल लीजिए, आप उसमें ऐड करें हनी और पानी, आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कीजिए। इसे आप रोजाना यूज करें। हनी एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो आपके एक्ने स्कार्स को दूर करेगा। नंबर 3, एलोवेरा फॉर एक्ने स्कार्स। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल एंड लेमन। अब एक कटोरी में एलोवेरा जेल लीजिए, उसमें ऐड कीजिए लेमन,
आप उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कीजिए। लेमन जार्स एंड डेड स्किन सेल्स को खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 4 ऑलिव ऑयल फॉर एक्ने स्कार्स। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल एंड वार्म वाटर। आप एक कटोरी में ऑलिव ऑयल लेके उसे थोड़ा सा गर्म करके आप अपने अफेक्टेड एरिया पे रोजाना लगाइए। ऑलिव ऑयल एक्ने को ट्रीटमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 5 बेकिंग सोडा फॉर एक्ने स्कार्स। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा एंड वाटर। अगर आपके घर में बेकिंग सोडा है तो उसे लीजिए। आप उसमें पानी ऐड करके आप अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाइए। ये आपके स्किन से एक्ने को दूर करेगा। नंबर 6 रॉ पोटैटो फॉर एक्ने स्कार्स। रॉ पोटैटो लीजिए, उसे अच्छी तरह से ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लीजिए और उस मिक्सचर को आप अपने स्कार्स पर लगाइए। पोटैटो में विटामिन ए बी सी होता है जो आपके एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 7 रॉ टमाटर फॉर एक्ने स्कार्स। टमाटर लीजिए, टमाटर को आप अपने ब्लेंडर के मदद से ब्लेंड करके अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कीजिए। ये आपके स्किन के पीएच लेवल को बढ़ाता है। नंबर 8 टी ट्री ऑयल फॉर एक्ने स्कार्स। एक कटोरी में पानी डालकर उसमें ऐड कीजिए टी ट्री एसेंशियल ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होता है जो आपके स्किन से एक्ने को दूर करेगा। नंबर 9 एप्पल साइडर विनेगर फॉर एक्ने स्कार्स। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए एप्पल साइडर विनेगर एंड वाटर। अब एक कटोरी में एप्पल साइडर विनेगर लेके उसमें ऐड करें पानी और इस मिक्सचर को आप रोजाना आप अपने अफेक्टेड एरिया पे यूज करें और पूरी रात इसे रहने दें। और नंबर 10 विटामिन ई फॉर एक्ने स्कार्स। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप विटामिन ई कैप्सूल को लीजिए, यह आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आप विटामिन ई कैप्सूल लेके उसे थोड़ा सा गर्म कर ले और अपने अफेक्टेड एरिया पर रोजाना यूज करें, इससे आपके एक्ने नहीं होंगे। अब है वीडियो के थर्ड पार्ट, मतलब जहाँ पर मैं आपको कुछ क्रूशियल टिप्स दूंगी। नंबर 1 सनस्क्रीन जरूर यूज करें, UVA UVB दोनों है, ऐसा सनस्क्रीन यूज करें। नंबर 2 मेकअप ब्रश को हमेशा क्लीन करके यूज करना चाहिए, नहीं तो इससे एक्ने हो सकता है। नंबर 3 स्मार्टफोन को हमेशा क्लीन करके रखें, नहीं तो यहाँ पर हमारे एक्ने हो सकते हैं। नंबर 4 डेयरी प्रोडक्ट्स कम खाया करें, क्योंकि काउ हार्मोन्स जो है वो बहुत ज्यादा ऑयल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसकी वजह से हमारे स्किन में बहुत ज्यादा पोर्स दिखने लगते हैं और उसकी वजह से एक्ने भी बहुत होते हैं। नंबर 5 पोर्स को हमेशा एक्सफोलिएट करके क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो एक्ने होगा ही होगा। मैंने कुछ दिन पहले 6 क्लेवर ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जरूर देख लेना। और मेरे जो कुछ प्यारे व्यूअर्स है उन लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए कमेंट बॉक्स में आप चले जाओ तो वहाँ पर जो पिंच कमेंट होता है वहाँ पे मैं सारे जो वीडियोस है उनका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नंबर 6 सोने से पहले मेकअप रिमूव करके स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करके सोना बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 7 दिन में 3-4 लीटर पानी जरूर पीजिए। नंबर 8 अपने हाथों को स्किन से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत ज्यादा डार्ट होता है, तो हमेशा अपने फेस को मत छूइए। नंबर 9 अपने डाइट रूटीन को चेंज करने की कोशिश कीजिए, अगर ना हो पाए तो ब्रोकोली जरूर अपने डाइट में ऐड कीजिए। और लास्ट नंबर 10 कोई भी रेमेडीज रोजाना यूज करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि ये एक्ने स्कार्स से बहुत ही कम दिनों में जाने वाला नहीं है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और हमेशा रोजाना ये सारे रेमेडीज ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपके जो एक्ने स्कार्स से स्पॉट्स से वो सारे चीजें एक दिन रिमूव हो जाएगा। तो ये थी मेरी टोटल एक्ने स्पॉट्स रिमूवर वीडियो। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो में थोड़ा सा अलग कुछ देखने को मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों को पता चले और भी लोगों को हेल्प हो सके, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर दे। तो मैं मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।